वेलकम बैक टू माय चैनल सीक्रेट गीगल। मैं हूँ श्रुति। कैसे हैं आप सब? अभी तो गर्मियों का मौसम है और गर्मी के टाइम में कुछ ठंडा पीने का मजा ही अलग है। तो आज मैं लेकर आई हूँ डलगोना कॉफी। ये बहुत ही चिल्ड होता है और बहुत ही मजेदार। जी हाँ, ये टेस्टी भी होता है और बच्चों को ये बहुत ही पसंद आएगा। इसे घर पे जरूर ट्राई करिएगा। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं डलगोना कॉफी। मैंने यहाँ पे ले लिया है 2 टेबलस्पून शुगर, 2 टेबलस्पून कॉफी, कुछ आइस क्यूब्स, ग्लास ऑफ मिल्क। आपको ध्यान देना होगा कि आपका मिल्क ठंडा होना चाहिए। मैंने यहाँ पे ठंडा मिल्क लिया है और डलगोना कॉफी का असली मजा ठंडे दूध में ही है। और मैंने यहाँ पे लिया है 2 टेबलस्पून हॉट वाटर। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं डलगोना कॉफी। मैंने यहाँ पे ले लिया है एक बोल। अब मैं इसमें ऐड करूंगी कॉफी, शुगर एंड 2 टेबलस्पून हॉट वाटर। इसे मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, अब हम एक हैंड ब्लेंडर की हेल्प से इसे विस्क करेंगे जब तक ये फ्लफी ना हो जाए। ये देखिए, कुछ इस तरीके से मैं इसे विस्क कर रही हूँ और हमें तब तक इसे विस्क करना है जब तक इसका कलर लाइट ना हो जाए और ये फ्लफी ना हो जाए। मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक बीटर का यूज कर रही हूँ। ये देख सकते हैं आप कि इसका कलर धीरे धीरे चेंज हो रहा है। ये देखिए, मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक बीटर यूज कर रही हूँ। इससे क्या होता है, ये बहुत ही जल्दी फ्लफी हो जाता है। आप हैंड विस्क भी यूज कर सकते हैं पर उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे फ्लफी हो रहा है, उसका कलर बहुत ही लाइट होता जा रहा है। मैंने इसमें शुगर तो ऐड किया है पर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें शुगर को कम या ज्यादा कर सकते हैं। ये देखिए, मेरा कॉफ़ी पूरी तरह से फ्लफी हो चुका है। अब हम इसे सर्व करेंगे। मैंने यहाँ पे एक ग्लास ले लिया है। अब मैं ग्लास में डालूंगी मिल्क जो मैंने ठंडा करके रखा है। मैंने यहाँ पे चिल्ड मिल्क का यूज़ किया है तो मैं यहाँ पे आइस क्यूब्स नहीं यूज़ कर रही हूँ। आप इसमें आइस क्यूब भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैं मिल्क के ऊपर डालूंगी ये कॉफ़ी अपना। देख सकते हैं कि मैंने इसे डाल दिया है और ये बहुत ही अच्छे से ग्लास में सेट हो गया है और ये मिल्क पे फ्लोट कर रहा है। अब मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ चॉकलेट पाउडर। ये देखिए, मैंने चॉकलेट पाउडर से गार्निश किया है। अब मैं इस पे रखूंगी चॉकलेट। आप देख सकते हैं कि मेरा कॉफी बनके तैयार हो चुका है। अब ये सर्व करने के लिए रेडी है। आप इसे घर पे बहुत ही इजीली बना सकते हैं। इसे घर पे जरूर ट्राई करें। सभी लोगों को ये बहुत ही पसंद आएगा। अगर आपको मेरी ये डलगोना कॉफी की रेसिपी पसंद आई तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। मेरे वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मोर अपडेट के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।